मेरा फर्म का नाम है फोर सीजन्स रियल्टी और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने एक बसपट के बस्ती में एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था एरोमा। आज वो प्रोजेक्ट का नाम एरोमा के साथ और बढ़ रहा है, एरोमा हाउसिंग सोसाइटी। इसलिए हुआ है, मैंने जब प्रोजेक्ट बनाया था तब ये सारे लोग मेरे पास एज अ फ्लैट ओनर थे और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि आज ये प्रोजेक्ट मैं आज उनको हैंड ओवर कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं कन्वेंस डीड। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे पाँच के पाँच मित्र आज अपना प्रतिभाव दें। उन्होंने मुझे देख के मेरे पास प्रॉपर्टी लिया था, फ्लैट लिया था, मैंने जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने टाइम पे जो वक्त पे मैंने उसको बोला हुआ था, कमिटमेंट किया हुआ था, वो सारे कमिटमेंट मैंने फुलफिल किए हैं या नहीं है वो मैं बोलने से कुछ नहीं होगा। आज ये पांच मेंबर अगर बोलते हैं तो ही ये सही रहेगा। खूब खूब धन्यवाद। और मैं पहला आज मेरे विमलदास जी को मैं आज हार्दिक बधाई देता हूँ, सोसाइटी के चेयरमैन आतिश को भी मैं बधाई देता हूँ और यंग डायनामिक इनको दोनों को मैं आज बधाई देता हूँ और ये सबसे नया मेंबर है उनको भी आज हार्दिक बधाई देता हूँ। शुक्रिया विमलदास जी, आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए। मेरा नाम विमल आनंद, मैं इधर पहली बार पुणे में गगली आया। उसमें स्टार्टिंग में साहब के साथ मेरा ऐसा इंटरेक्शन हुआ था, साहब हमको पहली बार अपने घर ले रहा है, उसको क्वेश्चन टाइम पे मिलना चाहिए। साहब का कमिटमेंट था भाई क्वेश्चन टाइम पे मिलेगा और क्वालिटी, ये दोनों कमिटमेंट क्या किया था, एक भी चीज़ उसमें चेंज नहीं हुआ, सब पूरा असेंडेड सब पूरा करके दिया है। सोसाइटी पोजिशन होने के बाद में भी उनको छोटा जरा प्रॉब्लम था वो पूरा टाइम पे रिसॉल्व करके दिया है। और कन्वेंस गेट पर खुद सोसाइटी फॉर्म करने के लिए अभी तो पहली बार मैंने एक बिल्डर ने हमको फॉलो करके करवा के लिया है, वो किधर भी ऐसा होता नहीं है भाई, हमको बहुत पीछे पड़ना पड़ता है। हमारा प्रोजेक्ट में पायलट कैसा हो सकता है, भगवान के तरीके से अच्छा ऐसा बिल्डर हमको मिला है, हमको पीछे पड़ गया, हमको आज के दिन पूरा हम भी सब लोग खुश हैं। फैमिली स्ट्रीट हो गया हमारा, हम भी एक गुना में एक इसमें प्रॉपर्टी में लैंड ओनर बन गया, ऐसा हमारे बहुत खुश लग रहा है। ऐसा सब लोगों से हमको जमीन लिया है, बहुत बड़ी बात है, हमको नजदीक भी अच्छा है। आज उनका घर भी हो गया और उनके जमीन के मेंबर भी हो गए। मैं सोसाइटी के चेयरमैन हमारे मित्र आतिश को जरा विनती करूंगा। अरे ना आतिश जगताव है, ये तो पहली प्रॉपर्टी घेतली आहे साहेबांकडून। थैंक यू, त्यांनी जे काम करून दिलं आम्हाला टाइमावरती त्याच्याबद्दल आम्ही यांचे खूप हार्दिक आभार मानतो। कारण मी कन्स्ट्रक्शन लाईन मध्येच काम करतो आणि टाइमवरती पोझिशन देणं हे कोणालाच शक्य नसते आणि ज्या काही छोट्या मोठ्या प्रॉब्लेम्स आले ते साहेबांनी बिलकुल वेळेवर सॉल्व्ह करून दिले, त्याच्याबद्दल सगळी सोसायटी यांच्याबद्दल आभार मानतो। मी स्वतः पण भाग्यशाली आहे की मला असे यंग डायनामिक एनर्जेटिक लोक भेटले की ज्या लोकांना आमच्या ॲज अ डेव्हलपरची पण जर काही अडचण असेल ते समजू शकतात आणि माझं या सगळे मेंबर